मॉर्निंग गाइज। और देखिए सुबह में कितना सुहाना मौसम लगता है और सुबह का समय ही एकदम इतना ख़ास रहता है। देख सकते हैं अभी मैं बारी तरफ आ गया हूँ और थोड़ा सा काम है बारी में, इसलिए थोड़ा सा जाके करते हैं सुबह सुबह। देखो गाइज मैं अभी चेहरा भी नहीं धोया हूँ और आप लोग से बात कर रहा हूँ, तो पहले चेहरा साफ़ करते हैं। कुआं पहुँच गए हैं और उसके बाद में थोड़ा सा काम है, प्याज कोड़ा करना है और आलू भी कोड़ना है, तो देखते हैं क्या क्या करते हैं अभी। अरे गोलू तो इतना सुबह क्या कर रहा है इन्हें? तो कि गोलू कितना बदमाश है, इधर घूमने आता है, घर जा। तो गोलू इतना बदमाश हो गया है ना, सुबह सुबह इतना दूर घूमने चला आता है। तो गाइस उठा तो मैं थोड़ा जल्दी हूँ, लेकिन थोड़ा आने में थोड़ा टाइम लग गया, तो बाहरी तरफ आ गए हैं। आपको दिखाते हैं मेरे खेती बाड़ी में, देखिए यहाँ पर है और वो जो पेड़ दिखाई दे रहा है आप लोगों को बीच सेंटर में, उधर हम लोग को जाना है, वहाँ पर काम है, तो वहाँ पर काम करते हैं पहले। और इतना बड़ा पेड़ है, देखिए इसमें आलू लगाए हैं, ज़्यादा नहीं लगाए हैं, इसमें एक बोरी लाए थे एंटीमिटम करके नाम है, तो उस आलू को यहाँ पर लगाए हैं। और यहाँ पर इस गड्ढे में देख सकते हैं यहाँ बोदी लगा हुआ है, देखिए निकल गया है, इसको सिंचाई करना होगा। देखिए गाइस सुबह की मॉर्निंग कितना सुंदर लग रहा है, और यह है सूरज चाचू, देखिए इतना सुंदर नज़ारा। अरे हम लोग का खेती बाड़ी है, ये प्याज की खेती है। तो गाइस अभी कुदाल मिल नहीं रहा है, पहले कुदाल देखते हैं, कुदाल खुद खोजना होगा, कुदाल मिलेगा तब तो काम करेंगे, और कहाँ छुपाई है पता नहीं, देखना होगा। और इधर गेहूं की खेती है, ये जो है गेहूं की खेती है, देखते हैं इसमें अगर होगा तो, यहाँ पर ढूंढते हैं पहले, उसके बाद में फिर काम किया जाएगा। और यही तो हो जाता है, काम करने टाइम पर तो आते हैं लेकिन सामान नहीं मिलने लगता है, कहाँ छुपा देते हैं हम लोग का सब, जितना भी सामान है सब खेती बाड़ी में छुड़ा हुआ रहता है। आप लोग को बताएं तो ये हम लोग की खेती नहीं है, दूसरे खेत में हम लोग ये खेती करते हैं। तो देखिए ये जो है लाइन, इसमें पूरा ये क्या है, देख रहे हैं ऊपर जामुन का पेड़ है, काला काला जामुन, जामुन तो अभी कुछ नहीं है, इसे फूल निकलेगा फिर फलेगा, लेकिन देखिए पत्ता इतना सारा इसमें गिर के भर जाता है। कल माँ इधर पूरा समेट दी है, एक लाइन में कर दी, इसको निकालना होगा। और ये जो है इसको इसको क्या करेंगे, फलकाएंगे कुदाल से, देखिए इधर काम किए हैं, दिखाते हैं आप लोगों को, देखिए इधर कोड़े हैं, इसको फिर माटी उठाएंगे, कोड़े हैं कहाँ जी, हाँ देखिए इस तरह से कोड़ना है, तभी ये वाला कोड़ेंगे, क्योंकि घास उसमें मर जाएगा, फिर खाद डालेंगे तो बढ़िया असर करेगा, इसलिए ये सब करना पड़ता है। तो देख रहे गाइस मेरा बाल कैसा है यारी, पूरा खड़ा हो जा रहा है, कैसे इसको बैठाएं, लगता है इसे चुट्टी बांधना होगा, देखना ऐसे बांधेंगे तो अच्छा रहेगा ना। तो गाइस कोड़ा करते करते बहुत समय लग गया, और यही है देख सकते हैं इसमें अब माटी चढ़ाना बाकी है, आप लोग को सामने से दिखाते हैं, इतना सारा है इसमें, आप थोड़ा सा डीएपी डालेंगे, और डीएपी डालने के बाद थोड़ा सा माटी चढ़ाएंगे, उसके बाद में आप लोग फिर से बातें करेंगे। तो देखिए सुबह से यहाँ से लेकर वहाँ तक पूरा काम किए हैं, और पूरा अभी माटी भी चढ़ाना है, तो ये वाला काम कर लेते हैं, उसके बाद में फिर से आप लोग से बातें करते हैं। तो गाइस आप लोग बता सकते हैं कि गाइस क्या बोले, इतना सारा काम रहता है, और देख सकते हैं बकरियाँ भी है, और आजकल तो थोड़ा जंगली कुत्ते भी आ रहे हैं, जंगल यहाँ जंगल नहीं है लेकिन लावारिस कुत्ते आ रहे हैं और बकरी को भी पकड़ पकड़ खा रहे हैं गाइस, तो इसलिए थोड़ा सा देख रेख भी करना पड़ता है हमेशा, अगर घर में रहते हैं तो किसी न किसी को यहाँ पर रहना ही पड़ता है बाहरी तरफ या घर में, ताकि इस तरह के लावारिस कुत्ते हमारे बकरियों को खा ना जाए, तो इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए देख रहे हो कि यहाँ पर रह रहे हैं, चारों तरफ देख रहे हैं, खेती बाड़ी इस तरह से लगा हुआ रहता है कि इधर से निकल कर आ जाते हैं, हम लोग को पता ही नहीं चलता है, और बकरियों को भी खाने लगते हैं और चीर फाड़ देते हैं, तो ये सब ठीक नहीं लगता, इसलिए देख रेख भी करना पड़ रहा है।
तो दोस्तों सिंचाई करते करते दर खींचते खींचते क्या बोलते हैं पसीना निकल गया, देख रहे हो मेरा माथा से पसीना, बहुत गर्मी लग रहा है। और अभी बहुत सारा काम है, जितना भी बनाए हैं दर खींचे हैं उतना सा और भी खींचना बाकी है, तो देखते हैं कब तक खींच पाते हैं। और देखिए यहाँ तक जहाँ कुदारी रखे हैं वहाँ से फिर आगे तक वहाँ तक खींचना है, और यहाँ से इतना दूर तक बना लिए हैं। तो देखिए दोस्तों कितना सारा पत्थर गिर जाता है मेरा खेत में, ऊपर जामुन का पेड़ है इसके नीचे एकदम खेती लगाया है, तो इतना सारा पत्ता गिर जाता है। और इतना बार यहाँ कूड़ा करते हैं, हर बार साफ करना पड़ता है, तो हर बार इसी तरह साफ कर करके हम लोग खेती बाड़ी करना होता है। देखिए अब इतना सारा पत्थर, अब कैसे खेती होगा बताइए। हर गाय इसके लिए हर बार जितना बार यहाँ कूड़ा करते हैं हर बार साफ कर लेते हैं, और जितना पत्ता है सबको बाहर निकालना पड़ता है। और अभी ढेर सारा बाकी है पत्थर निकालने के लिए। देखिए गाइस यहाँ से पूरा ये लाइन वाला फिर निकालना है, फिर वहाँ वाला निकालना है, तो पूरा करने उसके बाद फिर तो मस्ती छोड़ना है। तो गाइस देखिए ये वाला पत्तूर जो है इसको हम लोग ऐसे नहीं फेंकते हैं, इसे हम लोग खाना बनाते हैं। और लकड़ी क्या यूज नहीं करते हैं, गैस मिला है लेकिन गैस कहाँ भरवाने सकेंगे, पैसा नहीं रहता है यार। तो ये जो पत्ता है इसे पत्तूर से हम लोग खाना बनाते हैं आग जला के, तो ये हम लोग का क्या बोलते हैं खाना पकाने काम करता है, ये इसी से हम लोग आग जलाते हैं। तो गाइस अभी इतना ही काम करेंगे खेती में बाड़ी में, और बकरी ले जाना है, कड़ा ले जाना है, तो सब काम करना बाकी है। तो अभी इतना ही सा काम करेंगे, अब नहीं करेंगे। अब थोड़ा सा डीएपी है, डीएपी छीट देते हैं, उसके बाद में फिर दूसरा काम करेंगे। तो दोस्तों देखिए ये है डीएपी, और काफ़ी महंगा हो गया है, 35 रुपये 35 रुपये केजी लिए हैं, काफ़ी ज़्यादा महंगा हो गया है। तो ही छीट रहे हैं अभी, ऐसे हम लोग देते हैं। दोस्तों हीरो लोग हैं, साइकिल राइडर, बैठ 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 बैठ। तो दोस्तों बारी तरफ है ना, तो ऐसे बच्चा लोग ऐसे हुड़दंग करते रहता है और घूमते फिरते रहता है, और मेरी बकरियां अभी चिल्ला रही है, तो उन लोग को भी घर ले जाएंगे। और फिर देखिए मेरा कड़ा इधर है, इन लोग को भी ले जाएंगे घर। देखिए गाइस सूरज दिखाते हैं जूम करके, इतना बड़ा दिखाई नहीं देता है लेकिन आज थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा बड़ा लग रहा है।